हेलो फ्लटर डेवलपर्स। सो हमारी इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि गिटहब क्या है। ठीक है, सो चलें शुरू करते हैं। सो बेसिकली गिटहब इज़ अ कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर वर्जन कंट्रोल एंड कोलेबोरेशन। और यार ये मदद करता है हमको दूसरे डेवलपर्स के साथ मिलकर काम करने के लिए। ठीक है, और ये मोस्टली इस्तेमाल होता है, मतलब इनको कौन इस्तेमाल करता है, ये मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स, मतलब इनको इसको इस्तेमाल करते हैं हम प्रोग्रामर्स करते हैं, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्टर्स करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, क्योंकि वो एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बनाती हैं जिसपे हज़ारों डेवलपर्स उस एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। और जैसे हम डेवलपर्स हैं वो हम दूसरे डेवलपर से कोलेबरेट भी कर सकते हैं। जैसे समझ लें कि चार डेवलपर्स हैं वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जैसे मैंने यहाँ से अपना कोड शेयर किया तो दूसरा डेवलपर है वो भी मेरा कोड देख सकते हैं, और अगर उसको कोई मेरी कोड में गलती लगती है तो वो मुझे बता सकते हैं और मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। इस तरीके से गिटहब इज़ जस्ट लाइक कि आप अपने कोड शेयर करते हो, दूसरे डेवलपर्स का आप कोड देख सकते हो, और एक प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर के ऊपर आप इतने सारे डेवलपर्स एक साथ मिलकर काम कर सकते हो। सो बेसिकली गिटहब ये है। अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ है, जैसे गिट और गिटअप, लोगों को लगता है जो जूनियर डेवलपर्स हैं उनको लगता है मोस्टली सेम है, बट नहीं, ये सेम नहीं है, ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो अब जो हमारी अगली वीडियो है उसके अंदर हम डिफरेंसेस सीखेंगे गिट और गिटअप के बारे में। सो चलें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।